भाई साहब आपके पास में खेती है पैसा 65 बीघे इनके पास में खेती है। ये भाई है, ये फौज में है भाई, ये इनके लड़के हैं, ये फौज में है। 65 बीघे इनके पास में खेती है। शौकीन आदमी है किसान भाई, पूरे पता लगता है ये गढ़गंगा के मेले में आए हैं यहाँ, और पूरे शौकीन शौकीन का तो पता लगता है हुक्का देखने से ही। वो कह रहे हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे भाई, किसी के यहाँ लड़का देखने के लिए जाते थे, वो बोलते थे भाई उसका खेत देख खाऊंगे, खेत में कितनी जमीन है उसकी, कैसा है। तो जो समझदार आदमी होता है वो थाली देख लेता था भाई, थाली में पता चल जाएगा कैसी उसने हमारी खुराक करी, कैसी उसने हमारी खतर पानी करी, थाली में देख लेता भाई, हमें थाली में पता चल जाएगा इसका कितनी जमीन है। और तो वो है यहाँ, हमें यहाँ इनके हुक्के से पता चल रहा है कि ये कितने शौकीन आदमी है। तो जी कहाँ से बनवाया आपने हुक्का? सिरसा हरियाणा। कितने का? 41,000 का। पूरा लकड़ी का ही है? पूरा लकड़ी का, बस चिलम मिट्टी की है, बाकी पूरा लकड़ी का है। ये इसका नीचे होता ना, देखो हुक्का तो मैन यू होता है, इससे नीचे नीचे के पार्ट को हुक्का बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीचा। अच्छा, नीचा इसका पूरा लकड़ी का है और हुक्का भी है पूरा लकड़ी का है। चिलम इसकी मिट्टी की है भाई। 41,000 का बनवा किसान भाई, हमने भी पहली बार देखा है ऐसा हुक्का। और मुझे लगा पानी भी इसमें शायद 2-3 किलो आता होगा, 11-12 लीटर पानी आता है इसमें। और देखो मैं तो कहूँगा, अगर हुक्का पीते हो तो भाई हुक्का ऐसा बनाओ जिसमें पानी बहुत ज़्यादा आवे। और यहाँ इसमें रखी जाती है, इसमें आग रखी जाती है यहाँ, और यहाँ इसमें तम्बाकू रखते हैं, तम्बाकू के ऊपर आग रखते हैं, और फिर जब आदमी घूंट मारता है ना तो पूरा फिल्टर होकर आता है धुआं, वो तो उसमें नुकसान नहीं होता ज़्यादा। आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, सीधा आपकी श्वास नली में जाएगा वो धुआं। और इसमें ऐसे पानी में को घूम का धुआं आएगा ऐसे, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं देता। मैंने देखे 100-100 साल जो बूढ़े जिए, हुक्का कंटिन्यू हुक्का पिया, और 100-100 साल बूढ़े जिए भी, उनकी उम्र पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उन्हें 100 साल तक हुक्का पिया कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो भाई हुक्का मैं कहूँगा बीड़ी सिगरेट से अच्छा है, यदि आप शौकीन हो नशे के, नशा करते हो तो बीड़ी सिगरेट से अच्छा हुक्का पियो आप। किसान भाई ने 40,000 का हुक्का बना छोटा भाई है।